हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी ग्रीनरी लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्चुलाका के बारे में। पोर्चुलाका एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन में होना ही चाहिए अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं। तो इतना सुंदर ये प्लांट लगता है, इतने सुंदर इसके फ्लावर्स आते हैं और आपके गार्डन की जो लुक होगी उसको अलग से ही ये डिफ़ाइन करेंगे। और एज़ अ गार्डनर आपको ये प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए अपने गार्डन में, क्योंकि इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी होती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, बहुत इजी मेंटेनेंस होती है इसकी। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने पूरे गार्डन को पोर्चुलाका गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे गार्डन में भी आप देखेंगे जगह जगह आपको पोर्चुलाका लगी हुई नज़र आएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ और आज धूप है अच्छी खासी, तो बहुत सुंदर ये फ्लावर्स खिले हुए हैं। देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है, जो कलर आपको पसंद हो वो कलर आप लेके लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस सीज़न में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो सीज़न आप जब जैसे ही फरवरी आती है, हमारा स्प्रिंग सीज़न आता है, तब से लेके और जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तब तक आप इसको लगा सकते हैं और तब तक ही आपके गार्डन में बना रहेगा। और फरवरी से लेके आप कह सकते हैं अक्टूबर तक कम से कम 8-7-8 महीने होते हैं, आराम से 8-9 महीने होते हैं। तो आप इस पूरे सीज़न में इसको लगा के अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं आपको इसको लगाना किस तरीके से, किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। या तो आप इसे सीड से डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर आप इसे कटिंग्स के थ्रू लगा सकते हैं। अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में लगा रहे हैं तो आप इन्हें सीड से लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और कटिंग से भी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इन्हें लेट मंथ्स में लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इन्हें जुलाई में लगाना शुरू कर रहे हैं, तो आप इन्हें कटिंग से लगाइए। कटिंग से ये बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो आपको किसी भी प्लांट की कटिंग ले लेनी है। तो ये है, जैसे इसको आप यहाँ से सिंपल से ऐसे तोड़ लीजिए, इसके नीचे की थोड़ी पत्तियाँ हटा लीजिए और ये आपकी कटिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। इसे आप लगाइए, इसे आप कहीं भी लगा लीजिए अपनी मिट्टी में। ये देखिए, एक कटिंग ये हो गई, एक कटिंग ये होगी, तो ये दो कटिंग्स हो गई हैं तैयार। आप इसे किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, ये बहुत आसानी से चल पड़ेगा। फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर आपको फिर भी डालना है इसमें, तो आप इसमें गोबर खाद या फिर आप इसमें नीम खली का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। नीम खली से क्या होगा कि आपके इसमें पेस्ट्स भी नहीं लगेंगे और पेस्ट से ये बचा रहेगा, और इस तरीके से इसकी लाइफ बढ़ेगी और पूरे सीज़न में आपके गार्डन में इसकी सुंदरता बनी रहेगी। तो हमने सीज़न की बात कर ली, कब आप इसको लगा सकते हैं, हमने इसको कैसे लगाना है, कटिंग्स की बात कर ली, आपको बस ये कटिंग लेके मिट्टी में लगा देनी है। और चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं होती। जब आपकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब आप इसमें पानी डालिए। तो ये कलर देखो कितना प्यारा है, पिंक और पीच का कलर है। तो जब इसकी मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आप इसमें पानी डालिए। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास, तो एक्सेस पानी कभी भी मत डालिए। किसी भी पौधे में एक्सेस पानी डालना सही नहीं होता, उससे क्या होता है कि उसमें फंगस लग जाती है और उसके मरने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये देखिए, वाइट कलर में भी है मेरे पास, तो भी कुछ स्पेंट हो चुके हैं इसमें काफ़ी फ्लावर्स, ये आप देख सकते हो। ये देखो, ये ऑफ वाइट कलर का, ये बहुत ही सुंदर है। उसके साथ साथ इधर एक मैं दिखाती हूँ आपको, ये छोटे से कंटेनर में मैंने लगाया हुआ है, आप ये देखिए, तो ये बहुत सुंदर है। देखो ये पर्पल कलर का, तो ये है, आप किसी भी तरह के कंटेनर में इसको लगा सकते हो। ये सामने आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे जो बैग्स हैं हमें नर्सरी से मिलते हैं, तो उसी में मैंने लगाया हुआ है। ये 4 इंच का बैग होगा या उससे भी छोटा ही होगा। तो बहुत अच्छे से आप किसी भी कंटेनर में इसे लगा सकते हो, प्लास्टिक में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, तो बहुत ईजिली ये लग जाता है। इस तरीके के किसी वेस्ट कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं इसको, इसमें भी बहुत अच्छे से चलेगा। आप थोड़ा सा इसको मेंटेन कर दीजिए, थोड़ा सा पेंट कर दीजिए, बस आपके एक सुंदर सा प्लांटर आपके पोर्चुलाका के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सनलाइट की। तो आपको इसको फुल शेड में रखना है, आप पूरे दिन की धूप इसे दे सकते हो। इनफैक्ट धूप में ही ये अच्छा खिलता है, जब इस पर धूप पड़ती हो तो ये पूरे अच्छे तरीके से ये खिलेगा, और बिना सनलाइट के ये पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता। पौधा चलता रहेगा लेकिन उस पर फ्लावर्स नहीं आएंगे, और फ्लावर्स अगर इक्का दुक्का आ भी गया तो सनलाइट की कमी से वो खिल नहीं पाएगा। और अभी सनलाइट थोड़ी सी कम है तो इसलिए आपको ये ऐसे बेंड हो रहे दिख रहे हैं। तो जहाँ पे धूप अच्छी आ रही है तो आप देखो पूरी तरीके से फूल जो है वो खिले हुए हैं।
ये आप देख सकते हो, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये भी, ये भी। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी लंबी हो रही है इसकी ब्रांचेस, तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, कट कर दीजिए, उससे उसकी बहुत सारी नॉड्स निकलेंगी और फिर उसमें और ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, अगर नहीं लगती है तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसमें कटिंग करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्लावर्स कम हो गए हैं या फिर ये ब्रांचेज ज़्यादा ही बढ़ रही हैं इधर उधर, तो फिर आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, उससे वो बुशी होगा और नए नए फ्लावर्स आपको देगा। देखिए अभी अभी मैंने इस पॉट की जो है प्रूनिंग की है, आप देख सकते हो काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस बढ़ गई थी, तो मैंने ये सारी कट कर दी हैं। कुछ फूल भी लगे थे बट इट्स ओके, ये फिर से बुशी हो जाएगा, फ्लावर्स इसमें और भी लग जाएंगे। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगर इंसेक्ट्स लग रहे हो, पेस्ट लग रहे हो, तो फिर आप क्या उसके लिए उपाय कर सकते हो। आप उसको उसके ऊपर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। 1 ml नीम ऑयल आप 1 liter पानी में डिजॉल्व करके और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके पेस्ट नहीं लगे हैं तो आप हर हफ्ते या हफ्ते 1-10 दिन में आप इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके पेस्ट लग चुकी हैं तो फिर उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको भगाने के लिए आप 2 दिन में एक बार या फिर 3 दिन में एक बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सा सॉल्यूशन आपके पेस्ट के लिए। जनरली इसमें पेस्ट नहीं लगते हैं बट अगर इनकेस लग गए हैं तो फिर आप नीम ऑयल का छिड़काव करके उनसे डील कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पॉट चुलगा को लगाने समय ध्यान रखनी है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मांगता है ये प्लांट, और आपको बहुत सुंदर फ्लावर्स देगा, आपका दिन बनाए रखेगा, सारा दिन आप इनकी सुंदरता से मोहित होकर खुश रहेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप गार्डनिंग।